समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। समय तो बहुत है हमारे पास, अपना टाइम किसी को मत दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मोबाइल, एक शब्द है कीमत। कभी कभी तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम किस चीज की कितनी कीमत है। ये शब्द बड़ा प्यारा है, कीमत। एक शब्द है इंटरेस्ट। ये सब शब्द बहुत प्यारे हैं, और अगर तुम्हें ये सब शब्द समझ में आने लगे, तुम्हारी जिंदगी की मेजर प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इसे बहुत लोगों को लगता है कि समय तो बहुत है हमारे पास, हमारी उम्र कितनी, सोचो 22 साल बीत गया, पता चला अगला 22 भी बीत जाएगा। समय, अपना समय किसी को मत दो। मैंने गलतियां की, मैंने कहता मैंने नहीं की, मुझे पता नहीं था। तुम कहते हो ना ध्यान से क्या पता चलता है, यही सब चीजें पता चलती हैं। अपना समय किसी को मत दो, अकेले बैठे रहो, जीवनी पढ़ो, घूमो, यहां से आगरा चले जाओ पैदल, तो कुछ तो फायदा होगा ना तुम्हारा, कुछ तो होगा, शरीर ही मजबूत होती चली जाएगी। समय बहुत कीमती है, और जैसे जैसे, और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो पता नहीं चलने देता कि मैं जा रहा हूं। तुम दुनिया में जिन चीजों को वापस नहीं ला सकते, बस वही कीमती है। कीमत की यही परिभाषा है। दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। यह भी बात जिसको समझ में आ गई, कुछ चीजें हैं अगर वो समझ में आ गई, जैसे संघर्ष जीवन का पर्यायवाची है, समझ में आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता राइज करने से। समय की कीमत समझ में आ गई, इसलिए तो मैं कहता हूं बार बार आपसे कि तीन जगह जाया करो, एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर, टेंपल, वो तुम्हारा अपना मंदिर हो। जब मैं मंदिर कहता हूं तो तुम मस्जिद जाते हो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो गुरुद्वारा जाओ, चर्च जाते हो चर्च जाओ, ये तीन जगह जाया करो। प्रोफेशनली कभी 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने पर, जैसे साल में एक बार दिवाली का त्यौहार आता है, साल में एक बार होली का त्यौहार आता है, ऐसे साल में 2 बार कभी त्यौहार मनाना हो तो बाहर भी चले जाओ, पर त्यौहार मनाने के लिए जाओ, उसके बाद मत जाओ। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो, दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। स्त्री बुरी नहीं है बशर्ते तुम्हारा ताकतवर होना चाहिए, शराब बुरी नहीं है बशर्ते तुम ताकतवर होने चाहिए। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, शर्त यह है कि तुम ताकतवर हो। अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन ही बुरा है। और बार बार मैं कहता हूं कि उस ताकत को बढ़ाने का बस दो ही रास्ता है, एक ध्यान और एक योग। जितना ज्यादा तुम ध्यान करोगे तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा, और जितना तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में आता चला जाएगा उतने तुम अंदर से ताकतवर होते चले जाओगे। समय, और जिसको समय का सदुपयोग करना आ गया, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, आप जिम में जा रहे हैं शरीर की ताकत बढ़ रही है, आप मंदिर में जा रहे हैं आपका ध्यान बढ़ रहा है, यहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो आपको फायदा करेगा। लेकिन आप चाय की दुकान पर 4 घंटे बैठे, टी स्टॉल पे, आप मूवी देख रहे हैं 3 घंटे, ये आप अपने समय की हत्या कर रहे हैं, और समय बदला लेगा। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ बस। मैं इतना लोगों को उदास देखता हूं, सोचो दो दो डेड बॉडी सड़क पे पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो लोग जिंदगी में एक फॉर्मूला नहीं समझ पाए, अपनी यूटिलिटी बनाओ, एवरी डे एवरी सेकेंड एवरी आवर, कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हो तो उस पर भी अटेंशन देते हो। जब तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तो मजा आने लगा पढ़ाई में खूब, पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो भर में बहुत पढ़ रहा है, बोले पा तब, बोले बताते रुको, बोले वर्मा
बोले हाँ गोवा चलोगे? वर्मा ने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे के चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना, अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा। अब वर्मा जी चलेगा गोवा, ये सोच के गया कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो अकेले। समय बड़ा बलवान, सब दिन हो तन एक समान।